जय जगन्नाथ आपण समस्त को आ गोटे नुआ वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। आज वीडियो रे आम डिस्कशन करिबा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एएसओ एग्जाम रो मैथमेटिक्स सिलेबस को कवर करिया पई आमे टोटल 50 डे रो प्लान करथिले। जेमिति प्लान थिला सेमिति आपनकर क्लास चलीची। आज हला आपनकर डे नंबर 36। प्रत्येक दिन सखळ 9टा रे आपनकर क्लास रहूची स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ फेब्रुवारी। देखिनु तो टोटल 50 डे प्लान आपनकर सामना रे डे नंबर 1 रु नै कि डे नंबर 35 पर्यंत ऑलरेडी 35 टी क्लास आपनकर कवर हे सारिछि। जदि आपन माने से क्लास गुडा देखि नहंती प्लेलिस्ट रो लिंक आपनकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिलि जइव। सेटु जाय कि चेक करि परिबे प्रत्येक डी वीडियो को सिक्वेंस रे सेडी देखि परिबे। प्रीवियस 35 टी क्लास रे आमे चैप्टर वाइज डिस्कशन करथिले। आजिठु आपनकर स्टार्ट हबो प्रैक्टिस सेट। 36 नंबर क्लास टू 50 नंबर क्लास पर्यंत आपनकर रहिबो टोटल 15टा प्रैक्टिस सेट। जदि आपन माने टेलीग्राम ग्रुप रे पर्यंत जॉइन हे नथि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा पई लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि। सेटु जाय कि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु। पीडीएफ वगैरह आपन माने सेठु आराम से डाउनलोड करि परिबे। स्टार्ट करबे आजर प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करबे पूर्व आपन मानको कहि रखे क्वेश्चन जेतेबेले स्टार्ट होची आपन माने निजे प्रथमे ट्राई करंतु। जदि न होइ परला आगु को प्रोसीड करके प्रोसीजर को भलो भाबे बुझंतु। एमितिरे आमे प्रैक्टिस करबा 15 दिन पर्यंत भलो भाबे मैथमेटिक्स को डिस्कशन करबा। स्टार्ट करबा देखंतु प्रथम क्वेश्चन आपनकर रहइबो। प्रथम क्वेश्चन आपनकर पचारची ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट माने ए आउ बी दुटा जाक इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए केता हो पचारछि। ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी आमे डिस्कशन करिछे। सो ए जगह रे कोन कोन दे छि देखंतु प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमकु दे दे छि 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए केता हो हमकु पचारिछि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दे दे छि 0.6। आमको दरकार कौन एटी जो कही ए आउ बी दु जन जाक इंडिपेंडेंट इवेंट ताले आमे ए जगह बुझा कथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जदि केत आसला दिस इज इक्वल टू हि जो के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए जिनसटा कौन पाई आमे लिखिले जेहेतु इंडिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट पाई एटाला कंडीशन इंटरसेक्शन रहिले मल्टीप्लिकेशन हो जाय जगह रे बुझा पड़ला। सो एबे देखंतु फार्मूला रे पुट करबा आमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलि जइबो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रो फार्मूला कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एटी देखंतु प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पळे आसला याको हम ए जिंस पुट करबा। एटी हम लिखि परबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑलरेडी देछि केते 0.6 पुट कर दबा 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमकु दरकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हला 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमकु दरकार मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ताले ए जगह देखंतु 0.4 टा लेफ्ट साइड लासले माइनस हे जो 0.2 हे जो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू 0.4 ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन नै गेला पर एटा लागते 1 माइनस 0.4 दिस इज इक्वल टू 0.2 सत बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू केते हे जो 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 हे जो 0.6 दैट इज 0.6 एटी डिवाइड हे जो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 हे जो केमिति हला 1 डिवाइडेड बाय 3 डेसिमल पॉइंट हटाई दियंतु 2/6 हे जो 2/6 इज इक्वल टू 1/3 क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आपनकर ऑप्शन सेकंड हे जो करेक्ट आंसर 1/3 हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि 0.34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 7 द वैल्यू ऑफ के। बहुत इजी अच्छी लिनियर इक्वेशन रो क्वेश्चन पचारछि 34 पॉइंटा गोटे ग्राफ ऑफ इक्वेशन पचारछि माने एटा हला गोटे स्ट्रेट लाइन ऊपर गोटे पॉइंट अच्छी जार कोऑर्डिनेट हला 3 4 लाइन रो इक्वेशन देछि 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 7। सो ए जगह रे हमें 3 टा को कोन हिजबा एक्स 4 टा को कोन हिजबा वाई पुट कर दबा ए इक्वेशन रे के रो वैल्यू हमको मिलि जइबा। पुट करिया एबे 3 इनटू वाई रो वैल्यू 4 पुट करिया दिस इज इक्वल टू के इनटू एक्स रो वैल्यू 3 पुट करिया प्लस 7 ताले 3k इज इक्वल टू केते हिजो 7 एपटर माइनस हिजो 3 इनटू 4 ला 12 माइनस 7 दैट इज 3k इज इक्वल टू 5 रो बराबर हिजो के इज इक्वल टू 5/3 हिजो एटा हिजो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लियर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन अछि प्रथम क्लास आज रहूछि प्रथम क्लास रे आपनकर मॉडरेट इजी क्वेश्चन रखिया तापर मॉडरेट तापर हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कशन करबा। हालांकि आज वीडियो रे मध्ये किछि क्वेश्चन एमिति अछि जोटा कि मॉडरेट लेवल रो ठीक हाई लेवल रो मध्ये अछि। देखंतु क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए जगह देछि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेस्पोंडिंग टू द रूट्स 2+√5 एंड 2-√5 इच जेतेले आमे ओटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेखुथिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो फॉर्म कोन थिला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एति कि थिला आमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 करिके लेखुथिले। सो ए जगह रे आमको दुटा रूट देछि ता माने एटा को अल्फा नै जानतु एटा को बीटा नै जानतु एबे वैल्यू पुट करबा एक्स स्क्वायर माइनस
टू प्लस रुट फाइव प्लस टू माइनस रुट फाइव इंटु एक्स प्लस आलफा इंटु बीटा दैट इज टू प्लस रुट फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस रुट फाइव क्लीयर दिस इज इक्वाल टू केते हिजबो एक्स स्क्वायर रहिला टू एठि माइनस रुट फाइव प्लस रुट फाइव दुटा कैंसल होगा टू प्लस टू हो फोर दैट इज माइनस फोर एक्स प्लस एठि टू प्लस रुट फाइव टू माइनस रुट फाइव जितने मल्टीप्लाई हम ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी फर्मूला कौन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एठि ए स्क्वायर के टू र स्क्वायर दैट इज फोर फोर आई मीन फोर हो माइनस फाइव रुट फाइव र स्क्वायर हो फाइव फोर माइनस फाइव हेल्ले आसीज माइनस वन सो प्लस अफ माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो दैट इज इक्वाल टू लिखिपर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो यहाँ हो आपर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्लियर एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में पचार फाइंड द डिग्री अफ द पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल डिग्री फाइंड आउट करने देखो वेरिएबल केतटा भी थाउ आम सब हाइस्ट पावर को कनसीडर करवा देखो एक्स पावर फाइव अच्छी एटी एक्स र्यू अच्छी वाई र्यू अच्छी दुटा जाक आड करा पड़ो कारण एक्स वाई मल्टीप्लिकेसन हो सो आड कले थ्री प्लस थ्री इज इक्वाल टू सिक्स होगा यहाँ सिक्स एवं पर्यटन हाइस्ट अच्छी एटी वाई पावर फोर अच्छी फोर अच्छी एटी फाइव अच्छी एटी टोटाल सिक्स है सो हाइस्ट डिग्री के आई मीन हाइस्ट पावर को डिग्री बोली कहवा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हाइस्ट पावर है सिक्स सो पॉलीनोमियल डिग्री के सिक्स डिग्री वाला पॉलीनोमियल ऑप्शन थ्री हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो इजी क्वेश्चन अच्छी लिखी थ्री मैंगोज एंड थ्री एप्पल्स आर इन बॉक्स इफ टू फ्रूट्स आर चूजन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ए मैंगो एंड द अदर इज एन एप्पल इज प्रथम देखु केतटा अच्छी तीन टा मैंगो अच्छी तीन टा मैंगो तापर तीन टा एप्पल अच्छी तीन टा मैंगो को मु एम वन एम टू एम थ्री बोली कहूँ एप्पल तीन टा को ए वन ए टू ए थ्री बोली कहूँ बुझा पड़ा इफ टू फ्रूट्स आर चूजेन आट रैंडम दुटा जो यहाँ गोटे बैग भितर अच्छी दुटा फ्रूट आम रैंडमली चूज करूचे प्रोबेबिलिटी कौन हवा दरकार प्रोबेबिलिटी गोटे मैंगो आ गोटे एप्पल हबार प्रोबेबिलिटी केते हबो सो देखु प्रथम तीन टी आपर मैंगो अच्छी तीनो मैंगो आपको गोटे मैंगो दरकार कम्बिनेसन बनवा तीन टी मैंगो गोटे आंब दरकार तीन टी आंबर गोटे आंब दरकार प्लस तांगे ये प्लस हेनी मल्टीप्लिकेसन हम कारण दुटा जाक एका सांगे आमको दरकार दिस एंड दिस दरकार एंड रही है मल्टीप्लिकेसन करवा सो थ्री सी वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री सी वन थ्री सी वन कहीं एगेन मैंगो तीन टा अच्छी तीन टा आई मीन तीन टा एप्पल अच्छी तीन टा एप्पल आमको गोटे एप्पल दरकार सो थ्री सी वन इंटू थ्री सी वन डिवाइडेड बाय एटा टोटाल होगा आम कौन टोटाल आमर यहाँ है फेवरेबल आउटकम पॉसिबल आउटकम के टोटाल देखो केतटा एलिमेंट अच्छी एपटा तीन एपटा तीन टोटाल छटा अच्छी छटार आमको दी दुटा कम्बिनेसन बनवाई पड़ो सिक्स सी टू होमर टोटाल सांपल स्पेस डिवाइडेड बाय सिक्स सी टू एटा मुझे लिखुची ये आपने भावे कि प्रोबेबिलिटी फर्मुला यूज होनी यूज होार्डिनालीटी अफ इवेंट ई इज इक्वल टू आम लिखीदे थ्री सी वन इंटू थ्री सी टू यहाँ है कार्डिनालीटी अफ इवेंट ई जो इवेंट आमको दरकार गोटे मैंगो ता गोटे एप्पल तापर कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस के सिक्स सी टू कारण आमको दुटा फाइंड आउट करार अच्छी आउट ऑफ सिक्स किसी भी आसी पारे सैंपल स्पेस एटा किसी भी आसे माने आउटकम जहाँ भी आसला टोटाल सबुटिक आउटकम आसीजिव सैंपल स्पेस भितर इवेंट रे आमको कौ आउटकम दरकार केवल फेवरेबल आउटकम को आम एम रखिले सो टोटाल एवं कैलकुलेट करेंगे ऊपर हो थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सिक्स माइनस टू दैट इज फोर फैक्टोरियल हो सो यटा को एमती लिखा थ्री इंटू थ्री हो नाइन डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू ऊपर यहाँ टू मल्टीप्लाई होगा टू सहित यहाँ कैनसल करूँ थ्री हो थ्री हेल्ले नाइन सहित थ्री कैनसल हेल्ले थ्री टोटाल थ्री बै फाइव होकर करेक्ट आंसर कैलकुलेसन देखो आउ थे करदे आपने थ्री इंटू थ्री ये जगह थी सो ऊपर नाइन होगा डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल को मुझे लिखिपारि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एटी रहा टू इंटू टू फैक्टोरियल मीन्स टू ही हो टू इंटू सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल हम फोर फैक्टोरियल सहित कैनसल करदी एवं डायरेक्ट एटी कैनसल करूँ टू सहित सिक्स को कैनसल कले आसो थ्री थ्री सहित नाइन को कैनसल कले आसो थ्री सो ये रहा कहते थ्री बै फाइव इज इक्वल टू थ्री बै फाइव होकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन ये द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स जितेबाला गोटे कॉइन को गोटे थर आम टॉस करवा से पॉसिबल आउटकम के टू रेस्ट टू द पावर वन इज इक्वल टू टू हो जितेबाला दुई थर टॉस करवा टू र स्क्वायर इज इक्वल टू फोर होन थर कले टू र क्यू इज इक्वल टू एट हो चार थर टू र पावर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन पांच थर टू र पावर फाइव इज इक्वल टू थर्टी थर्टी टू छः थर टू र पावर सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर होटी छः थर जेहतु टस कराई से टोटाल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू टू सॉरी सिक्सटी फोर ऑप्शन टू होकर करेक्ट आंसर क्लियर ये गोटे कथा मन रखुदू टू र पावर वन टू र पावर कौन पाई कली कारण कॉइन रीटा साइड अच्छी
आग साइड पछ साइड से कॉइन रुईटा साइड अच्छे पसबल आउटकम गोटे कॉइन को टस कले दुईटा हुए तापर जितने नंबर ऑफ कॉइन बढ़ीगला कि गोटे कॉइन को जिते थर टस कर नंबर ऑफ टाइम जो टस करे से बढ़ीगला से नंबर को आम टूर पावर हिसाब से रखिकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड आउट करवा मन रखुद आम पॉसिबल आउटकम रहा कहे फेवरेबल आउटकम है आम से इवेंट अंडर में आसीज पॉसिबल आउटकमटा क्या अंडर में आसो सैंपल स्पेस अंडर में बुझा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए लिखी ए वेयर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर गोटे वेयर को बेंट करी गोटे स्क्वायर बनाई जहाँ साइड है 22 सेंटीमीटर एवं लिखाई इफ द वायर इज रिबेंट टू फॉर्म ए सर्कल ए वायर को अगेन रिबेंट कराई गोटे सर्कल फॉर्मेशन कराईगला पचार देन इट्स रेडियस विल बी ए सर्कल रेडियस के पचार आर इज इक्वल टू के देखो जिते बी मो पाखे स्क्वायर स्क्वायर गोटे साइड है 22 सेंटीमीटर यही जिते वायर को रिबेंट कराई जगह पेरीमीटर चेंज हेनी स्क्वायर पेरीमीटर जहाँ थी सर्कल सर्कमफेरेन्स सर्कल पेरीमीटर कहीपारती किसी प्रोब्लम नहीं यही जगह स्क्वायर पेरीमीटर बाहर करा पेरीमीटर फॉर्मूला कौन 4a ए जगह ए के 22 गोटे साइड वैल्यू 22 सो 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर होगा बर्तमान से 88 सेंटीमीटरटा को सर्कल सर्कमफेरेन्स 2 पाई आर सहित बराबर करवा इक्वल टू 88 होगा आमको आर दरकार सो 2 इंटू 22 अपन 7 मल्टीप्लाइड बै आर इज इक्वल टू होगा 88 कैनसल करवा 22 सहित 88 को कैनसल कले 44 हो आई मीन 4 हो केवल 4 हो केवल ये जगह 4 हो सो अगेन 2 सहित 4 को कैनसल कले 2 अगेन देखो आर इज इक्वल टू फाइंड आउट कले एपटे 7 डिवाइड होपटे गले मल्टीप्लाई हो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 क्लियर एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 5 मीटर ए विषय में कही लेंथ इज इक्वल टू 10 देची ब्रेथ इज इक्वल टू 10 देची हाइट इज इक्वल टू 5 देची आम जो मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करवा रॉड रोटा कि रूम भितर रहीपर तार फॉर्मूला कौन थिला लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 रो स्क्वायर प्लस 10 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 25 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 225 इक्वल टू 15 हो जाए आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्लियर एबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन पचार ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कोन सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन एबे हमको रेडियस ऑफ कोन पचार प्रथम तो मन रखंतु जेहेतु मेल्टिंग कराई रिकास्ट कराई कि बनाई कौन आमर कोन सेतिपई आमे एठी स्योर हो गले कि वॉल्यूम रे चेंजेस हबनी सो स्फीयर रा रेडियस देछि 3 सेंटीमीटर स्फीयर रा वॉल्यूम केते हे जीवो 4/3 पाए इंटु आर र क्यू दैट इज 3 र क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्ट लिखुची 4/3 पाए आर क्यू एटाला एटा को स्फीयर रेडियस आर एस लिखि दउची तापर हमको कोन रेडियस मु आर सी नेबी हैला सो एठी 1/3 पाए आर सी स्क्वायर एच सहित बराबर हम आर सी कमे लिखिली कोन रेडियस एठी जेतु स्फीयर आ कोन दुटा जगह देची सो कोन रेडियस को मु आर सी नेली स्फीयर रेडियस को आर एस नेली बुझा पड़ला एबे एबे कैनसल करियो देखंतु 3/3 दिपटरु कैनसल हो गला वॉल्यूम आम बराबर करुचे एटा थिला स्फीयर रो वॉल्यूम फॉर्मूला एटा थिला कोन रो वॉल्यूम फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू कहला 4 इंटु पाए रो वैल्यू अच्छा पाए भी दिपटे कैनसल हो पाए जरूरी नहीं एपटे रहा आर एस रो क्यू आर एस मीनस स्फीयर रो रेडियस ऑलरेडी देची 3 सो 3 रो क्यू ऑलरेडी लिखिदे 3 रो क्यू को मल्टीप्लाई करा जरूरी नहीं 3 इंटु 3 करके रखा ऑलरेडी जदि आपने प्रीवियस क्लास देखी मेन्सुरेसन से आपल मल्टीप्लिकेसन जल्दी जरूरी नहीं प्रथम एमती ही रखुद जो जिन कैनसल होगा आगे कैनसल करदे एवं देखो आर सी स्क्वायर इंटु एच लिखाई आर सी स्क्वायर मीनस आर सी स्क्वायर तो रखी ता सहित एच रैल्यू के आर सी बै 2 एट लिखाई था हाइट अफ द कोन इज हाफ द रेडियस अफ द कोन तो रेडियस हाफ हो गला हाइट एबे दीपटे देखंतु एपटे आर सी स्क्वायर इंटु एपटे एटा आर सी मल्टीप्लाई अच्छी एपटे 2 मल्टीप्लाई अच्छी एपटे आसे कौन हम आई मीन 2 एपटे डिवाइड होपटे आसे मल्टीप्लाई हो 2 एपटे कैनसल करदे दिस इज इक्वल टू एपटे होगा 2 इंटु 4 अच्छी मुझे लिखिपारि 2 इंटु 2 इंटु 3 इंटु 3 इंटु 3 दिस इज इक्वल टू आर सी आर सी क्यू दिस इज इक्वल टू आर सी इंटु आर सी इंटु आर सी कंपेयर करके देखो गोटे आर सी
गोटे टू नब गोटे थ्री नब दैट इज सिक्स बुझा पड़ा सिंप्लीफाई करके देखेली जदि आपने मल्टीप्लाए करेंगे सिक्स क्यू दैट इज 216 हम इमिडियेटली क्यूब रूट बाहर करने प्रॉब्लम फेस करेंगे सो ए टाइप नंबर को स्प्लिट करके स्प्रेड करके तरह वैल्यूटा फाइंड आउट कर पार्टी बुझा पड़ा सो आरसी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ऑप्शन फोर हो गला आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर गोटे स्पीयर रेडियस ऑलरेडी दे दी आरएस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्पीयर रेडियस को आरएस बोली लिखिली स्पीयर पर एस लिखुची कन्फ्यूज होनी बिल्कुल इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इंटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एवं एगेन सी गोटे कोन रे फॉर्मेशन होती कोन रेडियस को आरसी नहीं जाऊँगी आरसी पचारि रेडियस ऑफ द कोन बुझा पड़ा हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू दे 12 सेंटीमीटर एवं कौन कही जेहतु मेल्टिंग है कि रिकास्ट कराई ता मैंने कौन जान लें वॉल्यूम रे किसी चेंजेस हेनी स्पीयर वॉल्यूम रो फॉर्मूला कौन हो 4/3 पाए आर एस र्यू इज इक्वल टू कोन वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाए आर सी स्क्वायर इंटु एच बुझा पड़ा दीपटे देखो पाए पाए कैनसल है 3/3 कैनसल हो गला जहाँ रहा लिखा 4 इंटु आर एस र्यू दैट इज रेडियस स्पीयर र 12 सेंटीमीटर दैट इज 12 इंटु 12 जमी आगुरी कही मल्टीप्लिकेसन इमिडियेटली करदे मल्टीप्लिकेसन करदेला प्रोब्लेम फेस करेंगे पुणी रिड्यूस करने असुविधा हे दिस इज इक्वल टू आरसी स्क्वायर इंटु एच लिखाई है आरसी स्क्वायर आमको आरसी स्क्वायर मीनस आरसी स्क्वायर मुझे दरकार एच वैल्यू के 12 देखो ये 12 दे सो गोटे 12 सहित गोटे 12 को कैनसल करदे एबे जहाँ रहा सेटा लिखा आरसी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटु 12 इंटु 4 आम यही जगह 2 इंटु 2 इंटु 12 इंटु 12 करदे पार इज इक्वल टू आरसी स्क्वायर ताले आरसी स्क्वायर इज इक्वल टू आम कहीपर आरसी इंटु आरसी गोटे आरसीटा एपटर कवर कर गोटे 2 गोटे 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर ऑप्शन 4 हो आपर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन को इजी करने प्रथम मल्टीप्लिकेसन किसी करवा जरूरी ना आशा करें जिनस को भल भाव बुझीपे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 729 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बहुत जबरदस्त क्वेश्चन क्वेश्चन को बुझापाई चेष्टा करूँ सब पिला क्वेश्चन को जब बुझी न पारे देन डेफिनेटली मोर रिक्वेस्ट रहा कि क्वेश्चन को भलि बुझु प्रथम ये देखो गोटे क्यूब मुझ फर्मेसन करुँचा गोटे क्यूब जोटार कि साइड आमको जना ना केवल वॉल्यूम दे प्रथम क्यूब को इमाजिन करूँ एपटर लाइन को मुझे डटेड दूसरी कौन पर डटेड दूँ ये बुझीपर एवं देखो यहाँ है गोटे क्यूब एपटर लाइन आमको सेमती डटेड देखा जाक डटेड देदे देखो यही क्यूब सहित आउ गोटे क्यूब को आणिक जॉइंट करवा फेस टू फेस जॉइन हे फेस टू फेस जॉइन होगा एवं देखो यहाँ दुटा जाक क्यूब जॉइन होगा गोटे क्यूबॉइड शेप्र आसीज ये देखो क्यूबॉइड शेप्र ए देखा जॉइन होगा दुटा क्यूब गोटे क्यूबॉइड सेपर आसीगला एवं पचार क्यूबॉइड रो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड मीन्स मुझे क्यूबॉइड को गोटे अलग कलर रे रंगीन कर दूसरी ताकि आपने बुझीपारे अलग ये कलर नहीं जाऊँगी देखो यही आपंकर गोटे क्यूबॉइड होगा दुटा जॉइंट है यहाँ गोटे टोटाल गोटे सॉलिड स्फीयर भाई आई मीन सॉलिड कंपोनेंट भाई देखाला जोटा कि आम क्यूबॉइड बोली कहीपर यही क्यूबॉइड रो पचार टोटल सरफेस एरिया के क्यूबॉइड को मुझे मार्क करदेली अलरेडी बुझा पड़ा ये देखो प्रथम आमको साइड दरकार क्यूब्र क्यूब्र साइड है जाए कौन करूब्र साइड है जाए टोटाल यो लेंथटा को 2a नहीं पार यही साइड को ए नहीं पार हाइट को मध्य ए नहीं पार एक नापर आमको टोटाल सरफेस एरिया आमको मिल जाव पचार टोटाल सरफेस एरिया बुझा पड़ा सो आमको ए प्रथम दरकार गोटे क्यूब्र जेहतु वॉल्यूम देखिए 729 आम सियोर जे ए क्यू इज इक्वल टू 729 ताले ए इज इक्वल टू के 9 होमती जान लें सर एत जल्दी देखो मुझे 10टा पर्यंत नंबर आटलिस्ट क्यूब मन रखापी 10टा 10 पर्यंत क्यूब मन रखापी आपंकि 20 पर्यंत मन रखिपारे आपटा बेहतर रही आपने मन रखुंत तो बेस्ट रु मन रखिले देखो इजिली आम फाइंड आउट करें ना क्यूब बाहर करने आपर ये टाइम पड़े बुझा पड़ा सो ए इज इक्वल टू आम 9 होगा सारंकर अलरेडी जिनस मन से सार डायरेक्ट करदे बुझा पड़ा 11-20 पर्यंत आटलिस्ट तो जन करदे पार 20 प्लस जो नंबर आसो टे डिफिकल्ट हम क्यूब मन रखापी मन रखिपारे तो बहुत बढ़िया डिफिकल्ट मीन डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नुहे सो ये जगह ए आमको 9 मिलगला आम सियोर हो गए 2a इज इक्वल टू 18 होपटे यहाँ 9 होगा यहाँ 9 होगा आम एल इज इक्वल टू 18 नहीं पार बी इज इक्वल टू 9 नहीं पार एच इज इक्वल टू 9 नहीं पार क्यूबॉइड क्यूबॉइड एल बी एच मिलगला क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया कौन हो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटु एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच फर्मुला ये फर्मुला अलरेडी भल भाव डिस्कसन कराई दिस इज इक्वल टू 2 इंटु एल इंटु बी दैट इज 18 इंटु 9 प्लस 9 इंटु 9 प्लस 18 इंटु
9 बुझा पाला टोटल को कैलकुलेशन कला परे आपन मान को मिल जिवो टोटल ऑप्शन 3 रे दिछि 7 ऑप्शन नंबर 3 810 सेंटीमीटर स्क्वायर आसीबो कैलकुलेशन करके चेक कर दियंतु मु आपन को कैलकुलेशन करके चेक करके कह दउ छी सो एट देखंतु केते हे जिवो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू 18 इनटू 9 हे जिवो 162 प्लस 9 इनटू 9 हेला 81 प्लस एटा मध्ये सही 162 हे जिवो एबे ऐड कर दियंतु 2 मल्टीप्लाइड बाय 162 इनटू 162 हे जिवो 324 प्लस 81 इज इक्वल टू 2 इनटू एटा हेला 5 8 प्लस 2 0 10 1 टोटल 405 इनटू 2 दैट इज इक्वल टू 810 बुझा पाला ऑलरेडी बराबर हो गला आंसर क्लियर ऑप्शन 3 से तो मैच कर गला सो ऑप्शन 3 हे जो आपन कर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस सीरीज देखंतु ए जगह रे मीडियन केम फाइंड आउट करिया प्रथमे सीक्वेंस रे रखिबा आइदर असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर रे रखिया पहिले सब छोटा नंबर कोन अछि 5 अछि तापर कोन अछि 6 अछि तापर कोन अछि 7 अछि तापर 8 अछि तापर 9 अछि तापर 10 अछि तापर 11 अछि 5 6 7 8 9 10 11 सब नंबर कंप्लीट हो गला पूरा एकदम मिड जगह रे जो नंबर टासला सेटा हमर मीडियन सो मीडियन इज इक्वल टू 8 हेगला आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ए टाइप रो देखंतु क्वेश्चन इजी आपन उनको लागू थई पारे इजी क्वेश्चन मध्ये आसुची मोड पचारथला क्वेश्चन रे मीडियन पचारथला क्वेश्चन रे एमति इजी क्वेश्चन मध्ये आसुची सेति पई ओरी होंतुनी आस्ते 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 आमे क्वेश्चन रो लेवल मध्ये बढेबा टेबुलेशन वाला क्वेश्चन भी करबा जोटा हमर अछि स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी रो बुझा पाला सो सेति पई बिल्कुल भी टेंशन नेबेनी एबे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचार छी गोटे सेकंड हां नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20 15 10 अप टू एमती जाई छी प्रथम टर्म एठी ए केते हे गला ए इज इक्वल टू हे गला 20 कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 20 रु 15 गले केते आसी जो 5 सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आसी गला 5 पचार छी 15th टर्म केता हबो दैट इज टी 15 इज इक्वल टू फार्मूला हला ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी फर्मुला जदि मन ना फर्मुला को भल भाव मन रखुद क्वेश्चन एगेन 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 प्राक्ट करूँ फर्मुला को मन रखापी दिस इज इक्वल टू ए जगह आम रखीद 20 प्लस एन माइनस वन आमको कैसे टर्म दरकार 15th टर्म दरकार एन है 15 15 माइनस वन दैट इज 14 इंटु डी वैल्यू कैसे 5 5 मीनस ए जगह डी है माइनस 5 कारण आम सब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को माइनस करवा ना से यहाँ डी हो माइनस 5 माइनस 5 सो डी जगह आम के पुट करवा माइनस 5 कमन डिफरेन्स है माइनस 5 बुझा पड़ा सो ए जगह माइनस 5 पुट कला पर ए जगह 14 इंटु 5 हो टोटल माइनस 70 एपट आसगला 20 20 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 50 हो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्लियर एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखी द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर 5 एंड 15 रेस्पेक्टिवली ता माने पचार छी एस 16 इज इक्वल टू केता हो देई छी कोन हमकु ए 1 इज इक्वल टू देई छी 5 ए 3 इज इक्वल टू देई छी 15 ए टू आम सियोर हो पार बच्चा बच्चा भी कहींपर ए टू इज इक्वल टू 10 तमें डी इज इक्वल टू कैसे कमन डिफरेन्स 5 ये आम सियोर हो गले आमको एस 16 दरकार प्रथम आम देखा 16th टर्म आम जब फाइंड आउट करदे एस 16 फाइंड आउट करा इजी हो देखते कमी टर्म नंबर 16 इज इक्वल टू फर्मुला कौन ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी फाइंड आउट करवा ए रैल्यू है 5 प्लस एन टोटाल के 16 टर्म अच्छी सो एन माइनस वन एन कि 15 मल्टीप्लाइड बाय डी कमन डिफरेन्स के 5 15 इंटु 5 है 50 75 प्लस 5 दैट इज 80 है जो आमर लास्ट टर्म देखो ए वन को मुझे फास्ट टर्म दैट इज ए 80 को मुझे लास्ट टर्म दैट इज एल एस 16 फाइंड आउट करने फर्मुला एटा अच्छी एन बै टू इंटु ए प्लस एल मैंने फास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिस इज इक्वल टू एन ए जगह के 16 सो 16 डिवाइडेड बै टू मल्टीप्लाइड बै ए दैट इज ए के 5 प्लस 85 आई मीन 80 सो ये 16 सहित 2 डिवाइड करदे पर आसा 8 8 सहित मल्टीप्लाई करा 85 मल्टीप्लाई करूँ के 8 5 जा 40 4 0 0 4 8 8 जा 64 प्लस 4 680 आपन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज टू लिव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस एटा हमारे नुआ टाइप क्वेश्चन ए टाइप क्वेश्चन आम डिस्कसन करें टेंशन नियंतुनी एस एग्जाम पर्यंत सब टाइप क्वेश्चन आम भल भाव डिस्कसन करदे क्लीअर एवं देखु ये पचार सबू केस रिमाइंडर सेम रोक मत गोटे कथ कहूँ 43 सहित जदि आम गोटे ग्रेटेस्ट नंबर आई मीन एच सी एफ जगह पचार जदि से ही एच सी एफ द्वारा आम 43 को डिवाइड करवा मन कर जो एक्स रिमाइंडर आसला 91 रे भी से एक्स रिमाइंडर आसो 183 रे मध्य से ही एक्स रिमाइंडर आसो ता माने ए जो एक्स जो नंबरटा ये तीन टी नंबर सहित इनक्लूड हो मन कर जो मुझ 91 रु 43 को माइनस करी ओभीयसली एक्सटा कैनसल हो
91 को मन करा जाऊ मु लेखुची वाई प्लस एक्स एक्स इनक्लूड होइक अछि जोटा खेला 91 43 को मु लेखुची जेड प्लस एक्स जेतेले मु दुटा को माइनस करबि ओबियसली एक्स एक्स कैनसल हो रही है केते वाई माइनस जेड ये जो y माइनस जेड रही है एथिरे x टर्म किछ आउ आसलानी आउ ए टर्मटा डेफिनेटली एच सी एफ सहित डिवाइड हो पारे तमें एच सी एफ आर जहाँ होतीमर डिफरेन्सटा डेफिनेटली डिवाइड हो पार तमें ये जगह आम एच सी एफ दरकार मैंने ये डिफरेन्स एच सी एफ फाइंड आउट करवा डिफरेन्स कौन कौन हो पाए देखो प्रथम तो 91 माइनस 43 गोटे डिफरेन्स आज इलेवेन रू थ्री गले थ्री गले केट रहा 8 रू 4 गले 4 48 आसला गोटे नंबर एगेन 183 रू 91 को माइनस करवा के आसा 2 18 9 गले 9 92 आसीगला गोटे एगेन 91 एमानकर डिफरेंस होला 183 रु 43 को डिफरेंस करवा रहला केते 140 सो आमे जदि ए तीनटा नंबर रो एच सी एफ नै जिबा एमानकर सेही एच सी एफ सहित हे जिवो ए एमानकर सेही एच सी एफ हो जोटा को जो एच सी एफ द्वारा एमानको डिवाइड करया द्वारा सेम रिमाइंडर रहइबो देखंतु ए जगह रे डिवाइड करके देखि एलसीएम आई मीन एच सी एफ नै देखिया 48 92 140 डिवाइड करिया कोथे डिवाइड होची 2 रे डिवाइड करले केते आसीबो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अगेन 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 7 जा और ये 0 अगेन 2 हेले 12 23 एठी आसी जो केते 35 अगेन आउ 2 रे डिवाइड हेबनी एबे कोनोसी कॉमन नंबर अछि कि एमन को डिवाइड करया को नाही सो ए जगह रे 2 * 2 हे गेला आपनकर एचसीएफ दैट इज 4 बुझा पड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हे जीव आपनकर 4 दैट इज 4 रे डिवाइड कला परे 91 रे 43 रे 183 रे कॉमनली गोटे रहिबो कोन रिमाइंडर रहिबो चेक करके देखिनवा हो छि ना नै एक्चुअली 4 रे 43 की जतले डिवाइड करिया ऑब्वियसली 4 10 मल्टीप्लाई करले 40 डायरेक्ट मु कर दउ छी गोटे गोटे स्टेप करबा त डायरेक्ट कर दउ छी एमती भाबन दुनी एमती मतलब भूल हे जियो हमर से सब आमे एबे पर्टिकुलर डिविजन को जाउ ने हमहु जल्दी जल्दी करियार छी सो 3 आसला रिमाइंडर सिमिलरली 91 को जतले आमे डिवाइड करबा 91 देखला नै जगह देखंतु 43 तबर 91 91 को 4 रे डिवाइड करिया एबे मु सिंपल वे रे कर दउ छी देखंतु 4 2 जा 8 रहिला 11 4 2 जा 8 रहिला 3 रिमाइंडर देखंतु एठी भी 3 थिला एठी भी 3 आसी गला अगेन 183 को जतले डिवाइड करबा ऑब्वियसली 4 रे डिवाइड करले 4 * 4 हे गला 16 रहिला 23 4 * 5 हे गला 20 रहिला रिमाइंडर 3 बुझा पला एटा 23 रहिला रिमाइंडर 3 देखंतु एक केस रे मध्ये रिमाइंडर 3 आसला चेक करके देखले सब किछ ठीक ठाक अछि क्लियर ए जिनसटा आपन मन पई नुवा थला सेतेमे अधिक टाइम नै बुझै देली सो आपनकर सेही नंबरटा केते जो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर सेही ग्रेटेस्ट नंबरटा केते जो 4 ऑप्शन ए हे जो आपनकर करेक्ट आंसर क्लियर एबे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखी छि 6 बेल्स कमिंग्स टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जति कि इजी लागु छि क्वेश्चन सेति इजी नहि देखंतु इजी नहि माने मु एमति कहि कि अपन मन को डर पैदा करे पय चेष्टा करनी कहर अर्थ हला गोटे जिनस अपन माने एठी मिस्टेक करि पारंती से जिनसटा को मु एबे अपन को क्लैरिफाई कर देबी टेंशन नि हंतु नि आराम से क्वेश्चन को देखंतु एन्जॉय करंतु प्रथम देखंतु 2 4 6 8 10 देछि 12 देछि त माने एमानकर सेकंड जो मानकर कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करा पय हेले कॉमनली से माने को जगह रे एका संगे रे टोलिंग करिवे ताकू फाइंड आउट करा पय हेले हम सबतिक नंबर रो एलसीएम फाइंड आउट करिवा सो 2 4 6 8 10 आउ 12 रो एलसीएम फाइंड आउट करा पय हेले 2 रे डिवाइड करंतु 1 हे गला 2 हे गला 3 हे गला 4 हे गला 5 हे गला 6 अगेन 2 रे डिवाइड करंतु 1 1 3 2 5 यासी गला 3 सो एबे 3 रे डिवाइड हे जिवो 3 रे डिवाइड करले 1 1 1 2 5 1 एबे मल्टीप्लाई करदा 5 * 2 10 10 * 3 30 30 * 2 60 60 * 2 120 ताले 120 सेकंड रे समस्त डेफिनेटली गोटे थरो टुगेदर माने मिसी के एका संगे रे टोलिंग हेबे टोल करिवे माने बाजीबे एका संगे रे बुझा पल्ला सो 120 सेकंड को मु लखि परबी 2 मिनिट्स बोली कहि परबी मो पाखरे टोटल 30 मिनिट्स टाइम अछि त माने 30 मिनिट्स भीतर केते थरो टोलिंग हेबे 30/2 = 15 एटा अपन करेक्ट आंसर हे जिवो बोली भावुचंती बट एटा करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नुहे कौन पाई देखंतु सेइथि पई कहिथिले एटा मिस्टेक हे जिवो आपनकर देखंतु प्रथम थरो जेतेले बेल जेतेले स्टार्टिंग हबो स्टार्टिंग रे त गोटे थरो बेल बाजिबा स्टार्ट हे जिवो त माने एका संगे रे समस्त गोटे थरो बाजिथिबे ता परे टाइम ड्यूरेशन मिलिला 30 मिनिट पर्यंत क्वेश्चन को भलो से बुझंतु प्रथम थर सब बेल एका संगे रिंग हेला परे 30 मिनिट पर्यंत इंटरवल मिलिला जहाँ भितर से माने 15 थर कोइनसाइड करके रिंग कले 15 थर एका संगे रिंग हेले किंतु स्टार्टिंग रो जो गोटे थर थिला सेटा भी तो कंसीडर करिया पई पड़िबो ना बुझा पड़ला
सो 15+1 दैट इज 16 हेजिबा आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बुझा पड़ला ए टाइप रो क्वेश्चन बिल्कुल भी भूल करिवे नि ये हला गोटे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ गोटे अछि जेतेले मांकडटा गोटे पोल ऊपर को क्लाइम करथिबो लास्ट मोमेंट को हमें लास्ट सेकंड टा को जो कंसीडर करथिले बुझा पड़छि से क्वेश्चन आपन मानक सामना को नै आसी भी टेंशन नियंतनी जो जो टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे पचारियार प्रोबेबिलिटी अधिक अछि ताको डेफिनेटली आपन सामना रे डिस्कशन करबि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंथु If a man were to sell his chair for rupees 720, it would loss 25%. To gain 25%, he should sell it for. देखंतो 720 rupees रे send, I mean sell करिची, loss केते हैची 25%. That means मुँ कही परिवी 720 टा आमरो cost price रो 85% कही परिवी, sorry 75% कही परिवी. कारण 25% loss हैची जहेतु, 75% आसी जीवर बाकी 75%, that is 75% रे बिक्री करा हैची 720 rupees रे. आमको दरकार के गेन दरकार 25% दैट इज 100 जदि हमर हुए कॉस्ट प्राइस 25% जदि गेन करबी 125% मते दरकार सो एटा हला हमर 75 आकु मते 125% करके बिक्री करियार अछि मल्टीप्लाई कर दो 125 मल्टीप्लाई हले 25 रे एटा 3 रे जीवो 25 रे एटा 5 रे जीवो 3 रे एटा कैंसिल करले केते जो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 24 240 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर दो 500 5 4 20 0 2 5 2 10 2 12 दैट इज 1200 हिजो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बुझा पड़ला जो मानको बुझा न पड़ला आउ थरे कोची भलो भले देखंतु चेयर रो कॉस्ट प्राइस थिला केते आमे कॉस्ट प्राइस को 100% नै नेले 100% रु से लॉस करछि केते 25% बिक्री करछि त माने 75% रे किंतु 75% टा 720 हिजो कारण से 720 टका रे बिक्री करछि एबे हमकु दरकार ताकु 25% प्रॉफिट दरकार जदी 100% कॉस्ट प्राइस वे प्रॉफिट 25% हेले 125 है जो सेलिंग प्राइस मते सेलिंग प्राइस को 125 करियर अछि किंतु सेलिंग प्राइस ऑलरेडी से 75 रे रखिथिला दैट इज 720 रुपीस को 75% थिला आमे 125% फाइंड आउट करबे हेले टोटल देखंथु 75% इज इक्वल टू 720 1% है जीवो 720 डिवाइडेड बाय 75 125% है जीवो 720 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 125 25 रे कैंसिल करले 3 25 रे कैंसिल करले 5 3 रे कैंसिल करले 240 मल्टीप्लाई करिया 5 सहित दिस इज इक्वल टू हिज 1200 आपन कर करेक्ट आंसर क्लियर आउ थरे मध्यम बुझै देली आशा कर छी कि जिंसर आपन अनु किछ प्रॉब्लम फेस हो नथियो नेक्स्ट ए मैन ट्रैवल्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट लेट इफ द स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव बीन रीच्ड 10 मिनट्स अर्ली फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस देखंतु एटा हला मन करा जाउ होम एटा हला मन करा जाउ ऑफिस होम रु ऑफिस जीवा पई से प्रथमे जाउची 4 किलोमीटर पर आवर रे ताको केते मिनिट टाइम को 20 मिनिट लेट दैट मींस एटा हला आपनकर डिस्टेंस रो लाइन मु देखैली एबे मु टाइम रो लाइन देखुची टाइम लाइन रे टोटल टाइम ताको जरूरी होउथाय प्रथम थरे से 20 मिनिट लेट ता माने 20 मिनिट एई जगह जो गैप रहला 20 मिनिट लेट रे से पहुंचिसि 20 मिनट लेट माने ताको एक्स्ट्रा टाइम लागितबो ग्राफटा लेफ्ट को न देखि राइट राइट साइड देखे दुछि से टिके डिले थिला ता माने 20 मिनट एक्स्ट्रा लागे 20 मिनट एक्स्ट्रा लागला बुझा पला एटाला 20 मिनट अगेन से ता स्पीड को इंक्रीज कर दिछि अगेन स्पीड को इंक्रीज करी केते कछि 6 किलोमीटर पर आवर ताको से 10 मिनट अर्ली पहुंच जाइछि ता माने एटाला टाइम रो लाइन ता माने से एई टाइम रे पहुंचिया कथा किंतु ता पूर्वरु पहुंच जाइछि सो एटा हला आपनकर 10 मिनट टोटल टाइम गैप देखंथु 30 मिनट रो टाइम गैप रहला मु 30 मिनट रो टाइम गैप कोन पई देखैली देखंथु प्रथमे जेतेले गोटे मैन ट्रैवल करछि माने हमें तो यूनिफॉर्म स्पीड वाली नौचे सो एटा हला आपनकर स्पीड एटा हला टाइम सो स्पीड और टाइम भीतर रिलेशन कोन देखंथु प्रथमे स्पीड स्पीड रो रेशियो प्रथम देखंथु स्पीड 4 थिला तापर 6 हे गला जेतेले एमानक तो रेशियो हम जदि फाइंड आउट करिया 2 रे कैंसिल करले रिपोर्टर 2 हे जो 2 रे कैंसिल करले 3 हे जो तापर स्पीड प्रथमे 2 थिला तापर 3 हे गला टाइम ओबवियसली प्रथमे 3 थिबो तापर 2 हे जाइथिबो एबे देखंथु 3 आउ 2 भीतर गैप हला मात्र 1 यूनिट रो 1 यूनिट बराबर कहा से तो एई 30 मिनट सहित बराबर बुझा पड़छि प्रथम कंडीशन सेकंड कंडीशन भितरे टाइम गैप केते 30 मिनट यदि 1 बराबर 30 मिनट हुए 3 बराबर केते हि जीवो 30 * 3 दैट इज 90 मिनट 90 मिनट्स मींस 1 होल 1/2 आवर बुझा पला 1 होल 1.5 घंटा हि जीवो किंतु से पचार छै कोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज ऑफिस डिस्टेंस मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम बुझा पड़ा सो को भी केस नहीं जानतु मन कर जो फास्ट केस से 4 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर टाइम के लगे 1.5 घंटा दैट इज
देढ़ घंटा को मुझे लिखिपारि थ्री बै टू आवर टू सहित कैनसल कले टू टू जा फोर दिस इज इक्वल टू ए जो वन होल वन बै टू रखिली दैट इज इक्वल टू थ्री बै टू आवर मैं लिखिपारि ना से थ्री बै टू मल्टीप्लाई कली टू इंटू थ्री हेल्ले सिक्स किलोमीटर हो करेक्ट आंसर बुझा पड़ा एटा तो होगा कि आपने जब आम सिक्स किलोमीटर पर आवर को स्पीड जब धरिया आम डिस्टेंस फाइंड आउट करपर कि ओब्विस्ली कर देखो ये वन बराबर थी थर्टी मिनिट सहित टू बराबर हम क्या सहित सिक्सट मिनिट सहित यानी कि मुझेपर वन आवर वन आवर एटी सिक्स किलोमीटर पर आवर जाए सेकेंड कंडीशन में स्पीड इंटू टाइम जब करदे यहाँ डिस्टेंस प्रोवाइड कर इक्वल टू डिस्टेंस देदेव सो स्पीड है आप सिक्स टाइम है आप वन आवर सिक्स इंटू वन होगा सिक्स किलोमीटर तेल डिस्टेंस टोटल के आसगला सिक्स किलोमीटर ऑप्शन थ्री हो करेक्ट आंसर आशा कर क्वेश्चन आपने भल भाव बुझीपे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देती अन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर इज रुपीज 304.5 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज 290 द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मन रखु जो सिंपल इंटरेस्ट देता है दी वर्ष से यहाँ टोटल इंटरेस्ट जो 290 हुए गोटे वर्ष इंटरेस्ट के 145 अधा तार करदे बुझा पड़ा एवं देखूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है सिंपल इंटरेस्ट कथा जी कह प्रथम वर्ष 145 मिले तापर वर्ष 145 मिले कंपाउंड इंटरेस्ट 145 प्रथम वर्ष मिला सेकेंड वर्ष 145 मिलवा सहित यही 145 रो एक्स्ट्रा कौन मिल एक्स्ट्रा मिल आई मीन इंटरेस्ट से ही एक्स्ट्रा इंटरेस्टा के देखूँ जदि सिंपल जदि 145 मिलता था 290 मिलता कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिली टोटाल हो जाए से 304.5 एक्स्ट्रा के 304.5 290 माइनस कर दिंतु यहाँ है 0.5 ये आसला 4 ये आसला 1 सो 14.5 एक्स्ट्रा रुपीज मिली 14.5 कौन पर मिली कारण पूर्वर जोटा इंटरेस्ट था तार इंटरेस्टा इंटरेस्टर इंटरेस्ट दैट इज 14.5 क्या द्वारा क्या जो मिला ये 145 जो मिला सो 145 14.5 के परसेंट 14.5 बै 145 मल्टीप्लाइड बै 10 करदे सॉरी मल्टीप्लाइड बै 100 करदे 100 कलापर देखो ये डेसिमल पॉइंट हटेले ये गोटे जीरो आनदेवी जीरो सहित जीरो कैनसल होगा ऊपर आसीगला कैसे 1450 डिवाइडेड बै 145 कैनसल करूँ आसीगला कैसे 10 सो इंटरेस्ट रेट के 10% ऑप्शन 4 होकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज ए आउ बी मिसिकी गोटे काम को केते दिन में कंप्लीट कर 15 दिन में तापर देछि बी एलन ताकू 20 दिन में करुछि बी को 20 दिन लागुछि दि जनकर एलसीएम ले जिया 15 आउ 20 रे जिया 60 15 ए आउ बी कर एफिशिएंसी केते जो 15 इंटू 4 हेले 60 हबो दैट इज एटी 4 हेगला एफिशिएंसी बी रो एफिशिएंसी केते जो 3 दैट इज एबे जदी आमे देखिबा बी रो इक्विटी एफिशिएंसी हेला 3 ए आउ बी रो एफिशिएंसी मिसि केला 4 ताले ए रो एफिशिएंसी केते हे जो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हे जो ए रो एफिशिएंसी पचारछि ए एलन कंप्लीट द वर्क इन ए रो जदी एफिशिएंसी 1 हेगला टोटल 60 टा वर्क अछि गोटे एफिशिएंसी रे कंप्लीट कर टोटल 60 डेज लगे क्या ए को ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज ए आउ बी मिसिकी गोटे काम को केते दिन में कंप्लीट कर 18 डेज ए आउ सी मिसिकी 12 दिन में कर ए प्लस सी 12 डेज कर बी आउ सी 9 दिन में कर प्लस सी कर 9 डेज पचार देन बी एलन कैन डू द वर्क इन एवं देखो ये तीन टाइक एलसीएम नहीं जा 18 रहा 12 रहा 9 रहा 3 कैनसल हम 3 3 है 6 3 है 4 3 है 3 अगेन 2 कैनसल हम 3 यार 2 यार 3 अगेन 3 कैनसल हम 1 2 1 2 इंटु 3 6 6 इंटु 2 12 12 इंटु 3 36 सो 18 2 जा 12 3 जा 9 4 जा बुझा पड़ा एवं देखो ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी टोटल जदि आड करदे एफिशिएंसी केते होला एपटे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू से एफिशिएंसी आड हो 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 2 प्लस 3 है 5 5 प्लस 4 है 9 टोटल एफिशिएंसी है 9 बट ये जगह हो 2 इंटु ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एफिशिएंसी होगा तो ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी केते हो 9 बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 एबे देखो आमको बी एफिशिएंसी दरकार बी एफिशिएंसी दरकार हेले आमको ए आउ सी एफिशिएंसी को माइनस करापी पड़ो ए आउ सी कॉमन एफिशिएंसी है 3 सो टोटल 3 जदि माइनस करदे 1.5 आसा केवल बी एफिशिएंसी है 1.5 बी से कम को कत दिन कर 36टा वर्क अच्छे एफिशिएंसी है 1.5 36 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 15 कले ऊपर मुझे 0 एड कर देली डिवाइड करते 15 इंटु 2 है 30 15 इंटु 4 है 60 टोटल होगा कैसे 24 डेज लगे आई मीन ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बुझा पड़ा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थिला नेक्स्ट ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स एंड पाइप बी इन 6 आवर्स एट 10 ए एम पाइप ए वाज ओपन्ड एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड
और टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM बुझापाला। प्रथम देखु ए को 2 घंटा लगुच पाइप को फिलअप करने प्रथम ए को 2 घंटा बी को 6 घंटा एफिसीयसी फाइंड आउट करने हेल्ले 2 आउ 6 एलसीएम नहीं जा 6 2 3 जा 6 1 जा बुझापाला। सो ए टोटल जदि 2 घंटे फिलअप कर गोटे घंटे 3 यूनिट फिलअप कर बी जदि 6 घंटे फिलअप कर गोटे घंटे 1 यूनिट फिलअप कर एफिसीयसी आमको मिलगला। ये एपाई एटाला बीपाई ए सका 10:00 पाइप अन् कराई ए रगारटा पर्यंत जदि गोटे घंटा ए कम कला ओभियसली गोटे घंटे ए 3 यूनिट फिलअप कर टोटाल पाइप टोटाल टांकी 6 यूनिट भरवार अच्छी टांकीटा को टोटाल टैंकटा को 6 यूनिट भाविक चलिए कि टांकीर कैपासीटी है 6 यूनिट एवं 6 यूनिट्रु 3 यूनिट अलरेडी ए गोटे घंटे फिलअप करदेव तेल एठ 6 रु 3 माइनस कर दापर आरोप कहते 3 ए टोटाल 3 यूनिट को आम कभर टोटाल 3 यूनिट एवं कौन होती आट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड बाय इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM एवं बी जो ओपन होगा एवं ए आउ बी मिसिकी टोटाल 4 यूनिट लेखा गोटे घंटे भरवे। सो टोटाल 3 यूनिट भरवार अच्छी 3 यूनिट ये 4 यूनिट है एफिसीयसी डिवाइड करदेला टोटाल के समय लगे 3/4 hours दैट इज 3/4 मल्टीप्लायर बाय 3/4 hour हेले मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनिट को जब करवा 4 कैनसल कले 15 तो टोटल 45 मिनिट से टाइम लगे एक्सट्रा 45 मिनिट तेल टैंकटा के फिलअप अलरेडी 11 पर्यटन चलती 11 पर आउ 45 मिनिट एक्सट्रा लगे 11:45 AM टैंक फिल हो ऑप्शन सी हो आपर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एटा सिंप्लीफाई करने देखिए देखो सिंपली 8 - 4 देखिए 4 को 2 स्क्वयर मल्टीप्लाइड बाय 9/4 करदे मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 स्क्वयर दैट इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो एतिकर होल पावर अच्छी 1/2 तले होगा 2 × 2 - 2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू टोटल के दिस इज इक्वल टू 8 - यहाँ 2 सहित कैनसल 9/2 हो 2 - 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3/2 डिवाइडेड बाय 2 - ये -1 + 1 दैट इज 2 - 0 होल पावर के 1/2 इज इक्वल टू 8 - ये आसगला 2 - 9/2 2 - 3/2 टोटाल मिसले के 12/2 दैट इज 2 के 6 2 - 6 डिवाइडेड बाय 1 होल पावर के 1/2 इक्वल टू 8 - 2 क्यूब दैट इज 8 - 8 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी हो आपर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आउ किसी क्वेश्चन ना ये टोटल अराउंड 23 क्वेश्चन डिस्कसन हो गला। आशा करुँ कि भिडियो आपको बहुत किसी जिन शिक्षा मिलती है जदि किसी शिक्षा मिलती है अन्य सहित भिडियो सेयार करने बिल्कुल भी भूल आपने टाइम देखिए भिडियो देखु थैंक यू सो मच। जदि आपको टाइम किसी इश्यू होता है देन PDF डाउनलोड करके PDF PDF प्रिपेरेसन करेंगे एस एक्जाम पर्यटन प्रिपेरेसन भल भाव जारी रखु कौन गोटे भी दिन लैक् करूँ जहाँ डाउट रहा जो किसी जिस इश्यू रोचे कि मतलब चेंजेस करार अच्छे से विषय में मतलब डेफिनेटली इनफर्मेशन दिंतु टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर कमेंट सेक्शन में बताई पारे पुणी मिसा आउ गोटे नुआ वीडियो से पर्यटन थैंक यू सो मच।